नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लास में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज हम इसी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इन सभी की चर्चा आज हम डिटेल से करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे, आपके जो भी डाउट थे वो सारे उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इसके फॉर्म भरने की जो डेट है, आपके 26 फरवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 18 मार्च 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई इशू हो जाता है फॉर्म भरते समय तो आप उसको सुधार कर सकते हो। तो करेक्शन की जो डेट है आपकी वो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपकी सुधार की तिथि दे रखी है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 6 से लेकर 8 मई 2024 को आपका एग्जाम होगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो पर 18 से लेकर 30 साल तक इसमें एज लिमिट है। इसके अलावा जो आपको वर्ग अनुसार छूट दी जाती है, यहां पर देखो, यहां पर आपकी एज दी गई है और कब से काउंट होगी, कब से कब तक काउंट होगी, वो यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हो। आगे बढ़े तो टोटल जिन पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है वो है आपके पद 2049 पदों पर आपके भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन की डेट से अभी बताई थी, 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। योग्यता की देखो, अलग अलग विभागों में वैकेंसियां निकली है। जहां पे आप 10वीं पास हो तो 10वीं पास की भी यहाँ पर वैकेंसी, उसमें अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास हो तो 12वीं पास की भी यहाँ पर पोस्ट है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम होगा आपका, लिखित एग्जाम होगा। लेवल की जो आपकी जो है, एक लेवल से लेकर 7 लेवल तक की इसमें जॉब रहने वाली है। आगे हम बढ़े, अगर हम बात करें कि फॉर्म भरते समय हमारा चार्ज कितना लगेगा, तो भाई जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के जो फीस लगेगी वो 100 रुपए, बाकी एससी एसटी और महिला वर्ग के सभी के फॉर्म फ्री भरे जाएंगे, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था हमने, इसमें जो योग्यता मांग गई है 10वीं पास, 12वीं पास या फिर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, तो सभी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है कि क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखने का मतलब ये, आसान भाषा में अगर हम कहें तो पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और बाकी जो चाहे प्रक्रिया रहती है आपका मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रक्रिया रहने वाली है आपकी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए, एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर दे ही रखा है। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, आपके मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग रहने 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाले। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न को, प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। बाकी आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो ये हो गई आपकी संपूर्ण जानकारी एसएससी सिलेक्शन पे 2 से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ मैं संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।